हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तब्दीली स्टोरी में। लास्ट पार्ट में आपने सुना कि मानवी बहुत ज़्यादा उनके पीछे जाती हैं, मतलब उसके ऊपर चढ़ाई करती है कि बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो, और ऐसे पीछे होती रहती हैं। तो मानवी कहती है, बोलो ना, चुप क्यों हो अब, क्यों मतलब मुंह में दही जम गया तुम्हारे, बोलो अब फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। फोन मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मैं क्यों ना करूं, मुझे बताओ। तो आरू ऐसे चुपचाप मुस्कुराती रहती है। तो आरू ऐसे चुपचाप पीछे होती रहती है। मानवी उस पर चढ़ाई कर रही होती है। मानवी जब देखती है कि आरू ऐसे पीछे हुए जा रही है, तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो ऐसे निधि की तरफ देख के उसको आँख मारती है। आरू जब उसको ऐसा करते देखती है तो उसकी तो जैसे क्या ही कहें। तो मानवी कहती है कि बोलो बोलो ना, चुप क्यों, हाँ अब नहीं है तुम्हारे पास कोई जवाब, वैसे तो बड़े 30 मार खान बने फिरते हो, हाँ बोलो। तो आरू भी हमारे कम तो थी नहीं, तो वो एकदम से मानवी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास खींचती है और कहती है, मान जाओ, देख लो, सोच लो। मानवी कहती, क्या 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 देख लो सोच लो, एक तो तुम दूर रहा करो, ठीक है। और ये कह के मानवी ऐसे उसको पीछे करती है और खुद दूर होती है। तो निधि कहती है कि हाय, डरा दिया, हाँ आरू, मानवी ने तुम्हें डरा दिया, गजब हो गया यार ये तो। तो आरू ऐसे अपने बालों में हाथ मारती है और कहती, अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो मानवी कहती, सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं था, हाँ। वो ऐसे बहुत ही मतलब एक अलग ही सिडक्टिव तरीके से ऐसा बोलती है और निधि को ऐसे आँख मारती है फिर से और कहती है, देख लो आपके दोस्त का हाल, क्या हाल है इनका, इतने जलवे नहीं झेले जा रहे, आगे क्या होंगे। तो आरू कहती, यही तो बात है। तो मानवी कहती, क्या बात है। तो आरू बोलती है कि क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो ओ पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जाएगी मेरी जान भी अब तो आंख ना मारो, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। और ये कह के वो मानवी को ऐसे अपनी तरफ खींचती है। मानवी को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि आरू ऐसा कुछ कर जाएगी, तो वो एकदम चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तो आरू उसका फिर से ऐसे हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, कहती है, हाय हो खाए, ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हाय हो खाए। तो मानवी ऐसे आरू को पीछे करती है और कहती है, हो गया नहीं, मतलब कुछ और बाकी है, मतलब मेरे सवालों का ये जवाब था, मतलब क्या, हाँ क्या क्या मतलब क्या बताओ। तो कहती है, ये अदाएं, ये शोखियाँ, ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ओ मेरी जो रजब भी तुम्हें मालूम नहीं। तो मानवी ऐसे चुप रहती है, उसके उसको कुछ और समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। तो और बोलती है, ये शोखियाँ, ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को लूटने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं, ओ मैं तेरे आंखों में खो गया ये जहां। तो मानवी ऐसे हंसती है चुपचाप सर नीचे करके और निधि के पास जाती है, निधि का हाथ पकड़ती है, उसे रूम से बाहर लेके आती है, कहती है, ये गाना इसने जानबूझ के गलत गाया है या ऐसे ही। तो निधि हंस पड़ती है, कहती है, जाके खुद पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो मानवी कहती है कि यार तुम्हारी हद है कसम से, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है।
तो आरू इधर परेशान होती है, कहती यार फिर इसे बुरा लग गया होगा, मैंने लग रहा है ज़्यादा कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं भी ना कभी भी कुछ भी कर जाती हूँ यार, कतई हद है मेरी भी, अकल ही नहीं है ना मुझ में क्या कब कैसे करना चाहिए, हद है। कैसे करूं मैं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे रोकूं खुद को। लड़की ऐसी कमाल है ना, मतलब कमाल धमाल कुछ भी जो कहूँ सब 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 कम है। हाय क्या ही कहूँ, काश ये मुझे अपना ले, दिल की बगिया खिल जाएगी। हाय तो मानवी ऐसा है, अंदर आती है रूम में तभी यारू एकदम सडन होश में आती है और सीधे एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है आ गई आप, तो कहती नहीं मैं जा रही हूँ, और तुम भी जहाँ से आए हो ना वहीं से सीधे कूदो और निकल जाओ। तो आरू कहती है यार ये कोई बात थोड़ी होती है, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए ऊपर आ गई, अगर विंडो से तो जाने का रास्ता तो सिंपल सा दे दो ना, वाया डोर। तो कहती है ऐसा है मैं जा रही हूँ नीचे ठीक है, और इस विंडो से जैसे आई थी वैसे कूद के निकलो ठीक है। और ये कह के मानवी जाने लगती है तो हारू फिर से कहती है बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो मानवी कहती है यार इसे चुप कराओ, मतलब कुछ दो इसके मुंह में, कुछ डालो यार, सेंटर फेस डालो, मुंह पे लगाम लगाओ इसके। तो आरू हंसती है, निधि कहती, निधि आरू की तरफ इशारा करती है कि निकलो, ऐसा ना हो कि पटाने के चक्कर में कुछ और ही हो जाए, जाओ यहाँ से। तो आरू फिर ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप विंडो से कूद के नीचे जाती है और फिर वहां से भाग जाती है घर पे। और तभी मानवी आरू को कॉल करती है, कहती है पहुंच गए घर, तो कहते हाय इतनी चिंता, कहती कोई चिंता विंता नहीं है, चिंता और चिंता विंता के लिए कॉल नहीं किया है मैंने। तो आरू बोलती तो किस लिए किया है बताओ, तो कहती है अरे वो शाम को टाइमली आ जाना और कुछ नहीं। तो आरू बोलती है जो हुकुम सरकार, टाइम पे पहुंच जाएंगे आपके घर के पास आपको पिक करने के लिए ठीक है। तो मानवी कहती हो गया, मतलब मौका मिला नहीं फ्लर्ट स्टार्ट हा? तो आरू कहती हाय मेरा इश्क तुम्हें फ्लर्ट लगता है, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी मेरे इश्क के लिए, हद हो गई यार। मानवी कहती है यार ये फोन रखो तुम, और ये कह के वो फोन कट कर देती है। आरू स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। निधि भी मानवी के साथ फिर शॉपिंग पे जाती है, तो निधि कहती है वैसे सच बताओ एक बार अपने दिमाग से निकाल दो कि आरू लड़का है या लड़की है, क्या आरू की पर्सनैलिटी से, आरू की हरकतों से, आरू के बिहेवियर से जितना वो तुम्हारे लगे कंसर्न है, जिस हिसाब से तुम्हारे नखरे आज उठाए हैं, जिस तरीके से तुम्हें मनाया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लिए परफेक्ट है? क्या तुम्हें उसकी किसी अदा पे प्यार नहीं आता? तुम्हें कोई पार्टनर ऐसा ही तो चाहिए था ना जो तुम्हें चाह सके, तुम्हें मना के, तुम्हें अपना बना सके, तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाह सके, प्यार कर सके, तुम पे सारी मोहब्बत लुटा सके, कोई ऐसा ही तो तुम चाहती थी ना? फिर क्या हो गया, फिर क्यों आज इनकार है तुम्हें इस चीज से? क्या बात हो गई? तो मानवी कहती है यार हम कुछ और बात करें, इस टॉपिक पे बात करना क्या जरूरी है क्या?
ज़रूरी तो नहीं ना कि जो चीज़ें हम चाहते हों अक्सर वही हमें मिले, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती हैं। और आई थिंक हर चीज़ पे बात करना ज़रूरी नहीं है। तो निधि कहती है, तुम अपनी फीलिंग से भाग रही हो या अभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं डिफाइन कर पाई हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मानवी कहती है, यार प्लीज़ ना करता क्रैप यार, मुझे नहीं करनी इस बारे में कोई बात, क्यों नहीं समझती हो आप? कुछ तो समझो। तो निधि कहती है, ठीक है टेक योर टाइम, इट्स ओके। कुछ नहीं कहूंगी अब मैं, ओके अब से बोलूंगी नहीं कुछ, एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं कहूंगी। एक हफ्ते तक तुम अपने आप को भी पहचान लो, उसकी मोहब्बत को भी पहचान लो, फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें वो नहीं चाहिए, तो ठीक है तुम्हारा फैसला हमें मंजूर होगा, ठीक है। तो मानवी फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रही होती है अपने आप से, अपनी चीज़ों से, क्योंकि इस बात से वो भी डिनाई नहीं कर सकती कि आरू की पर्सनैलिटी से वो इम्प्रेस थी, आरू की हरकतें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, उसका केयर करना, उसके लिए उसका पजेसिव होना, हर एक चीज़ उसे अट्रैक्ट करती थी। आज जिस तरह से वो उसके लिए परेशान हुई थी, फ़ोन ना उठाने पे घर तक आ जाना, ये उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई उसके लिए ऐसा करेगा। तो परेशान तो वो थी नो डाउट, अट्रैक्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसे ये भी रियलाइज था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं ऐसा कर सकती, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, वो ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अपने मन ही मन में ये चीज़ें सोचती रहती है, बोलती रहती है, और इसी तरह शाम हो जाते हैं ना शॉपिंग करते करते। फाइनली ये लोग घर आते हैं और रेडी होते हैं। मानवी निधि को कहती है, तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? तो मानवी कहती है, निधि कहती है कि क्यों यार तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? वो आएगी ना तुम्हें पिक करने के लिए, तुम उसके साथ जाओ, मेरे साथ जाने का क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, कुछ भी हो जाए। तो कहती क्यों, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? तो कहती है, मैंने बोला ना नहीं जाना मुझे, तो नहीं जाना, बस बात खत्म। तो कहती अच्छा ठीक है भाई जाओ, हमारी कदर क्या है तुम्हें? जब से आरू मेरी लाइफ में क्या आई है, तुमने तो अपनी फ्रेंडशिप निभाना ही छोड़ दिया है। क्या आज आरू नहीं होती तो क्या तब भी तुम मेरे साथ नहीं जाती? नहीं बताओ? तो निधि चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। कहती ये जो इमोशनल ड्रामा है ना मानवी तुम्हारा, ये बहुत गलत बात है यार, इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया करते हैं, गलत बात है ये, ऐसे कौन करता है यार? तो मानवी कहती है, मैं क्या इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि अगर आज आरू नहीं होती तो क्या तब भी तुम मेरे साथ नहीं जाती? वैसे एक बात बताओ निधि। तो निधि बोलती है हाँ। तो कहती है कि पहले इधर आओ, ये मेरे ड्रेस की चिप लगाओ। तो निधि जाती है और उसकी ड्रेस की चिप लगाती है, मानवी को देखती है बहुत प्यार से और कहती है, यार मानवी एक बात बोलूं? तो मानवी कहती है कि हाँ यार, तुम हो कसम से बहुत खूबसूरत,
आरू क्या किसी का भी दिल तुम पे आ जाए, जब मैं खुद को नहीं रोक पाई तो बेचारी आलू आरू की क्या गलती है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसको तो गलत कहना ही गलत हो जाएगा। तो मानवी ऐसे घूमती है निधि की तरफ और कहती है, ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं 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 कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, बताओ ज़रा। तो मानवी बोल निधि बोलती है, नहीं यार तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, आरू की कोई गलती नहीं है। कहती है, बाय द वे वही आरू है जो मैं इतनी खूबसूरत हूँ फिर भी मुझ पर। तो ये कहते हुए वो रुक जाती है। तो निधि कहती है, क्या फिर भी तुम पे क्या? तो मानवी कहती है, अच्छा सुनो तो मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी, वो सुनो मेरी बात सुनो पहले। तो निधि कहती है, ना 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 फिर भी तुम पे क्या? तो निधि कहती है, पहले मुझे वो बताओ क्या किया। तो मानवी कहती है, अरे यार देखो मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है ना, नहीं सुननी तुम्हें? अच्छा नहीं सुननी तो कोई बात नहीं है, ठीक है ओके फाइन, नहीं बोलती मैं। तो निधि बोलती है, अच्छा बोलो। तो मानवी कहती है, आरू करती क्या है? तो कहती है, बिजनेसमैन है यार, सॉरी बिजनेस वूमेन है यार। तो कहती है, अच्छा ओके, मतलब किस चीज़ का बिजनेस है? कहती है, यार इतना खास तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ तो करती है, अच्छा काम है, काफ़ी पैसा है, इलाहाबाद में नामचीन लोगों में से गिनती होती है इन लोगों की। कहती है, अच्छा फैमिली में कौन कौन है? कहती है, कोई नहीं सिर्फ फादर है आरू के, और कोई नहीं है। मानवी कहती है, मॉम? कहती है, नहीं मॉम जब आरू छोटी थी तभी मॉम की डेथ हो गई थी। तो मानवी कहती है, तो आरू क्या शुरू से ऐसे लड़कों की तरह? तो कहती है, नहीं आरू बहुत खूबसूरत थी, आरू का बस ये चीज़ तुम आरू से पूछना, आरू ही बताया तो ज़्यादा अच्छा है, उसके अलावा उसकी लाइफ के बारे में कोई और डिस्कस करे ये अच्छा नहीं लगता ना मानवी। मानवी कहती है, ओके ठीक है। तो काफ़ी पैसे वाली है? कहती है, हाँ काफ़ी पैसे वाली है। कहती है, अच्छा तो देखते हैं, लेट्स सी। तो निधि कहती है, क्या सी? क्या लेट्स सी? हाँ क्या मतलब क्या देखते हैं वो तो बताओ। कहती है, नहीं कुछ नहीं। कहती है, अच्छा यार कुछ तो बात है। तो कहती है, नहीं नहीं। मानवी कहती है, अच्छा आप देख लो, अब हम लोग रेडी हो गए, टाइम हो गया, लेकिन आरू का तो कुछ पता ही नहीं है ना, अभी कहाँ पहुँची हैं कहाँ नहीं पहुँची हैं कुछ पता ही नहीं है। कैसे एक हफ्ता ये गुजारेंगे मेरे साथ, ज़रा ये बताओ आप कैसे? तो कहती है, अच्छा सीरियसली तुम्हें लगता है ऐसे? तो आरू को वो फ़ोन करती है मानवी। तो आरू फ़ोन उठा लेती है, कहती है, हाँ बोलो। तो कहती है, बस यही था ना टाइम, पता है तुम्हें क्या हो रहा है? तो आरू बोलती है, अरे क्या हो गया भाई, इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्यों गुस्से में हो? तो कहती है, जाना नहीं है, तुम तो मुझे पिक करने आने वाली थी। तो कहती है, अरे तो नीचे तो देखो एक बार अपनी विंडो से। तो मानवी ऐसे दौड़ के विंडो की तरफ जाती है और नीचे देखती है। नीचे देखने के बाद वो कहती है कि, अरे ये तो आ गई है, अबे यार क्या गाड़ी लेके आई है, गजब उसकी गाड़ी। मानवी को बहुत अच्छी लगती है। और आरू जब कार में से उतरती है तो उसका ड्रेसिंग सेंस देख के तो मानवी दंग रह जाती है, उसकी आंखें सिर्फ आरू पे टिक जाती हैं। आरू सुंदर बोलो, नहीं टॉमबॉय है यार, तो जिस हिसाब का उसका ड्रेसिंग सेंस है इस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि बहुत हैंडसम लग रही होती है, बहुत ज़्यादा हैंडसम, जिसका कोई भी तोड़ नहीं था, बहुत ज़्यादा हैंडसम, जिसे मानवी देख रही होती है। और आरू ऐसे गाड़ी के केस अपने जींस में अटकाती है और अपने बालों में हाथ मारते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। मानवी भी इधर से निधि का हाथ पकड़ती है और सीधे नीचे जाती है। तो जैसे ही वो नीचे जाती है वो
अरु को वहीं ऐसे हाथ दिखा देती कि वहीं खड़े रहो, तो अरु वहीं खड़ी हो जाती है। तभी निधि कुछ कहती है आरू से, तो आरू सुनती नहीं है क्योंकि मानवी को देख के आरू के होश किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। अपने महबूब के लिए उसकी महबूबा तो अच्छे से तैयार होगी ना कहीं मानवी आरू के लिए ही इतने अच्छे से तैयार हुई थी, ये तो फैक्ट था। तो अपनी महबूबा को देख के तो किसी के भी होश गुम हो जाए, और उसे देख के आरू के मुंह से सिर्फ दो लाइनें निकलती हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो मानवी अपनी निगाहें नीचे कर लेती है, वो कुछ नहीं बोलती, और उसके उस सॉन्ग से उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स तो आती हैं, लेकिन वो उस फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर देती है और कहती है चलें। तो निधि कहती है अरे ज़रा मेरी भी सुन लो आरू जी। तो आरू कहती है हाँ बोलो। कहती है यार तेरे को फ़ोन किया था उसने, तूने उसका काम कर दिया तेरी फ्रेंड ने? तारू कहती है हाँ कर दिया ना। तो मानवी कहती है कि क्या मतलब सबके कहने पे कुछ भी कर देती हो? तो कहती है सबके कहने पे नहीं, वो मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं। समझ में आया? तो मानवी कहती है वैसे तुम्हें देख के तो ऐसा ही लगता है तुम किसी के कहने पे कुछ भी कर सकते हो। तो आरू कहती है क्या मतलब? कहती है कि हाँ किसी के भी कहने पे कुछ भी, सबके हिसाब से ही चलते हो गए है ना, कुछ भी कर सकते हो, कोई मैं स्पेशल केस तो हूँ नहीं है ना, कोई भी आएगा कोई भी कुछ भी करवा लेगा, किसी के भी कहने पे कुछ भी कर दोगे। मानवी इस तरह से उसे बोलती है जो कि आरू को हर्ट हो जाता है। आरू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं तुम्हारी बात मानती हूँ इट डजंट मीन कि मैं सबकी सुनती हूँ, ठीक है? तो मानवी कहती है मुझे क्या पता, मुझे तो तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम सबके इशारों पे नाच रहे होगे। तो ये बात आरू को और ज़्यादा चुभती है, और आरू सिर्फ कहती है अच्छा एक बात बोलूँ तुम्हें? मानवी बोलती है हाँ। तो आरू बोलती है तेरे प्यार पढ़के ने मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचूं सूं इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचूं सूं इस दुनिया की औकात नहीं। समझी? अगर मैं तुम्हारे कहने पे कुछ कर रही हूँ या तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ, तुम्हारे आगे पीछे डोल रही हूँ ना, इट डजंट मीन कि सबके लिए मैं ऐसी हूँ। आई लव यू, दैट्स व्हाई मैं ये कर रही हूँ, अदरवाइज कोई मेरे सामने कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सिर्फ फीलिंग की होनी चाहिए। जब बात अगर तारे समझ में आ जाए तो ठीक, और ना आए तो जय राम जी की। तो मानवी ऐसे निधि की तरफ देखती है, और आरू का हाथ निधि पकड़ती है और कहती है क्या हो गया? तो आरू कहती है कि अरे यार इसको क्या लग रहा है, मतलब क्या मतलब प्यार करती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी बोलेगी, इसको थोड़ा समझना चाहिए ना, मैं इलाहाबाद से हूँ दैट डजंट मीन कि मुझे यहाँ का कुछ अता पता नहीं है, हर एक चीज़ से वाकिफ हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, हर इंसान को अच्छे से समझती हूँ। तो मानवी रिस्पेक्टफुली मेरे साथ अगर एक हफ्ता बिताना है तो बिताओ, मेरी फीलिंग समझ सकती हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नहीं, तुम्हें मैं अकेले भी प्यार कर सकती हूँ, किसी और के कहने पे नाचना
ये मुझसे तो नहीं होता। समझ में आ गया ना? तो ये क्या कि मानवी जो है, सॉरी आरु मानवी के लिए कार का डोर ओपन कर देती है और मानवी वहाँ खड़ी रहती। तो ये कहती है और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, मानवी गाड़ी के अंदर बैठेगी या मानवी को कुछ चीज़ें बुरी लग गई हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। और यार ये वीडियो कम हो रही है, टाइमिंग कम हो रही है, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतने टाइम की वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर देती हूँ। आप लोगों के वीडियो स्टोरी के लिए मैं अपना बिग बॉस छोड़ती जा रही हूँ। मैंने बिग बॉस के कई सारे एपिसोड अभी तक स्टार्टिंग भी नहीं देखी कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है उसकी। जैक उधर रहो जैक। तो मैं इसलिए सॉरी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं इंक्रीज डिक्रीज करती रहती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, एडजस्ट कीजिए। स्टोरी तो मैं भेजूँगी और कोशिश करूँगी कि टाइमिंग और ज़्यादा हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।